जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ चैप्टर टू डी वर्ड्स फर्स्ट वन प्रिमिटिव पी आर आई एम आई टी आई वी ई प्रिमिटिव प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन सेकेंड वन इज अप्रोक्सीमेटली ए पी पी आर ओ एक्स आई एम ए टी ई एल वाई अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग थर्ड वन वेजिटेशन वी ई जी ई टी ए टी आई ओ एन वेजिटेशन वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति फोर्थ वन इज स्क्रैप एस सी आर ए पी ई स्क्रैप स्क्रैप मतलब नोचना टू रिमूव फिफ्थ वन थैच टी एच ए टी सी एच थैच थैच मतलब छप्पर सिक्स वंथ इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ए एन टी एच आर ओ पी ओ एल ओ जी आई एस टी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञानी सेवेंथ वन इज हार्वेस्टेड एच ए आर वी ई एस टी ई डी हार्वेस्टेड मतलब फसल काटना उसके बाद है सिकल एस आई सी के एल ई सिकल सिकल का मतलब होता है दराती नाइन्थ वन इज एशिज ए एस एच ई एस एशिज एशिज मतलब राख टेंथ वन इज इमानगांव आई एन ए एम जी ए ओ एन इमानगांव इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस चैप्टर टू जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ तो बच्चों प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन जयबेर एंड हिज फैमिली वेर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन तो बच्चों यहाँ पर जयबेर और उनकी फैमिली है गांधीनगर से जामनगर जा रही थी ट्रेन में सिटिंग नियर द विंडो ही सॉ ट्रीज बुलक कार्स कैमल कार्स रिक्शो बस ट्रैक्टर एक्सेट्रा कि वो विंडो के पास बैठा था तो उसने देखा बहुत सारी चीज़ें देखी जैसे क्या देखा ट्रीज देखी बुलक कार्स कैमल कार्स रिक्शो बस ट्रैक्टर एक्सेट्रा वैसे बहुत सारी चीज़ें देखी ही आस्क्ड हिज अंकल व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट वो अपने अंकल से पूछता है कि ट्रांसपोर्टेशन कब शुरू हुआ हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड ट्रेन स्टार्टेड इन आर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स बैग उनके अंकल है उनको आंसर देते हैं कि ट्रेन हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग 150 ईयर्स पहले शुरू हुई अमोंग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन द रोड द बुलक कार्ट इज ओल्डेस्ट कि तुम जो व्हीकल सारे देख रहे हो रोड के ऊपर उसमें से सबसे ओल्डेस्ट है वो है बुलक कार्ट है मतलब कि बैलगाड़ी है Before it, thousands of years back, man didn't have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. उससे पहले जब ये बुलक कार्ट भी नहीं था उससे भी पहले thousands of years back, man के पास कोई transportation ही नहीं था उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था तो अपने पैर से ही जाता था अपने चल के ही जाता था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव मैन एंड नोमेडिक लाइफ तो बच्चों प्रिमिटिव का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि प्राचीन होता है और नोमेडिक वो लोग होते हैं नोमेडिक आर पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कि वो नोमेडिक ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम कि पीपल ऐसे पीपल जो बहुत ओल्ड टाइम के हैं अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो ही लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड स्पेंट हिज टाइम बाय हंटिंग कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 20 लाख ईयर्स अगो कि पहले वो लोग कैसे रहते थे नोमैडिक लाइफ रहते थे और पूरा दिन अपना हंटिंग में बिताते थे हंटिंग मतलब कि शिकार करना दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर्स एंड गैदर्स कि ये स्टेज था ह्यूमंस का उस स्टेज को हंटर्स और गैदर्स कहा जाता था हंटर्स मतलब कि शिकार करके करना और गैदर्स मतलब कि शिकार करके उस चीज़ को कलेक्ट करना ही यूज टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल्स लाइक डियर फिशेज एंड बर्ड्स कि वो क्या यूज़ करते थे ये सब गैदर करके अपना फूड लेते थे किसको शिकार करते थे डियर है फिशेज है और बर्ड्स को अदर दैन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड उसके अलावा वो क्या कलेक्ट करते थे रूट्स कलेक्ट करते थे और फ्रूट्स का कलेक्ट करके खाते थे इट वॉज नॉट दैट ईजी कि इतना आसान भी काम नहीं था उनके लिए समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक देम कभी कभार क्या होता था जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी उनके ऊपर अटैक करते थे मोर ओवर सम ऑफ द एनिमल्स वेयर फास्ट इन रनिंग सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम कि उससे भी अलावा क्या होता था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते जो रनिंग में बहुत आगे होते स्पीड करते हैं तो इसको भी पकड़ पाना उनके लिए आसान नहीं था
Thus, primitive man used to wander from one place to another in search of food. कि primitive man को wander करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना था, घूमते रहते थे. क्यों? In the search of food, food ढूंढने के लिए. Thus, he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. कि उन्होंने ये सीखा कि कौन सा फ्रूट्स और रूट्स खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए. क्यों? कभी कभार क्या होता था कि वो पॉइजनियस भी हो सकता था. एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट वेर इजी टू हंट. सो प्रिमिटिव मैन यूज टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देम. ऐसे एनिमल्स जैसे कि डियर है, शीप, गोट है, वो बहुत इजी से आराम से शिकार हो जाते थे उन, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे इन एनिमल्स को ढूंढने के लिए. Moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. कि water है वो एक बहुत essential part है हमारी life का, तो उसको ढूंढने के लिए वो भी लोग कहाँ पर settle होते थे, जहाँ पर sources of water है, जैसे कि कोई तालाब है, नदी है, उस तरह से जहाँ पर available हो कि हाँ यहाँ से water है वो हमें easily available है, उस जगह पर वो stay करते थे. Places of human habitation of primitive man in India. तो बच्चों habitation का मतलब होता है बस्ती, निवास. Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive man. कि archaeologists ने, anthropologists ने और historians ने सबने मिलकर have together कि सबने मिलकर एक चीज find out किया. Find out many places of habitation of primitive man. की habitation मतलब कि बस्ती ढूंढी primitive man की. Along with it, they have also found out information about implements used by them. कि उसके अलावा उन लोगों ने ये भी information हमें बताई कि वो उस जमाने में उस दौरान कौन से implements वो use करते थे. They use implements and weapons made up of stone and wood. कि वो ऐसे implements use करते थे जो किससे बने हुए होते, stone और wood से बने हुए होते हैं. Sometimes they even used implements made up of bones. कि कभी कभार क्या होता था कि वो bones से बने हुए भी instrument use करते थे. Since the lives of hunter gatherers are wonders associated with stone technology. जो ये hunters और gatherers की life है वो किससे जुड़ी हुई है, स्टोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है. दिस टाइम इज कॉल्ड पैलियोलैथिक. इस टाइम को क्या कहा जाता था, पैलियोलैथिक कहा जाता था. 2.1 स्टोन एज वेपन्स. तो बच्चों यहाँ पर ही हमें फिगर बताया गया है, उसमें क्या दिखाया गया है, स्टोन एज के वेपन्स दिखाए गए हैं. द स्टोन्स शोन इन फिगर 2.1 वेर यूज टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रेप द स्किन ऑफ एनिमल्स. जो फिगर 2.1 में हमें दिखाया गया है वो क्या करने में इस्तेमाल होते, वेर यूज टू कट वेजिटेशन. बच्चों वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पतियाँ. और स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स, स्क्रैप मतलब कि नोचना, टू रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल्स. प्रिमिटिव मैन यूज्ड पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हीज बॉडी. कि प्रिमिटिव मैन क्या करते थे, यूज टू पील ऑफ द ट्री और एनिमल्स की स्किन रिमूव करते थे. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बॉडी को कवर करने के लिए. मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया. तो बच्चों यहाँ पर हमें मैप दिया गया है किसके बारे में, स्टोन एज और ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया. तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन से के जगह पर क्या है. जैसे कि हमारा जो ये फर्स्ट ट्रायंगल है वो हमें इंडिकेट करता है पैलियोलिथिक प्लेस. सेकंड है ग्रीन कलर का बॉक्स और नेथियोलिक प्लेस. थर्ड वन है वो कैथोलिक प्लेस इंडिकेट करता है. और उसके बाद है इनिशियल विलेज और जो स्टार करके वो है मॉडर्न सिटी. तो हमें अलग अलग सिंबल के द्वारा बताया गया है अलग अलग प्लेस के बारे में. लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क्ड इन द मैप. कि आप केयरफुली देखो कि मार्क में कौन सी जगह पर मार्क किया गया है. यू विल फाइंड दैट एट मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड. फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप बट देर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, यू विल फाइंड दैट एट मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड. कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रिमिटिव मैन रहते होंगे, रह रहे थे.
फ्यू प्लेसेस आर शोन इन द मैप की कुछ जगह मैप में दिखाई गई है, बट देर आर एविडेंस ऑफ देयर हैबिटेट इन मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया कि मैप में तो कुछ जगह बताई गई है लेकिन और भी कुछ एविडेंस, एविडेंस मतलब कि प्रूफ है कि जहाँ पर ये प्रिमिटिव मैन की हैबिटेट थी। दे प्रीफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड एंड वाटर वेयर फॉर्म कि वो कहाँ पर रहना प्रीफर करते थे, प्रीफर मतलब कि रहने की कोशिश करते थे या सिलेक्ट करते थे अपनी जगह जहाँ पर अच्छी तरह से गुड हो जगह, गुड हो और लार्ज प्लेसेस की बहुत बड़ी जगह हो जहाँ पर अच्छी तरह से स्टोन्स वुड और वाटर अवेलेबल हो। They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. क्यों एक natural caves में रहते थे अपने आप को बचाने के लिए, protect मतलब कि बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, rain और wild animals से। Several such places have been found in Vindhyan mountains in central India. कि ऐसी बहुत सारी जगह हमें found हुई है जैसे कि विंध्या mountains से कहाँ पर central India में। Such type of places have also been found in the region around Narmada River. और एक ऐसी जगह भी है, places है जैसे कि region है जो नर्मदा river का region है, नर्मदा नदी के आसपास की जगह है, वहाँ पर भी ऐसी जगह मिली गई है। उसके बाद है भीमबेटका जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आया है। Has been found which was an excellent place of human habitation कि वो एक बहुत excellent place थी human habitation की। In its caves near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, human etc. drawn by the primitive man have been found which are drawn with the help of natural colors. कि ये जहाँ पर भीमबेटका है मध्य प्रदेश में वहाँ पर वो एक एक्सीलेंट प्लेस थी हैबिटेशन के लिए। उस केव्स में नियर अबाउट 500 इमेजेस की उस जगह पर मोर देन 500 की 500 इमेजेस मतलब कि पिक्चर्स है किसकी, बर्ड्स के बारे में, डियर के बारे में, वुडन स्पेयर के बारे में, ट्रीज और ह्यूमंस के बारे में, वैसे बहुत चीज़ें के बारे में। ड्रोन बाई द प्रिमिटिव मैन किसने ड्रॉ की है, प्रिमिटिव मैन विच आर ड्रोन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर्स की किसकी हेल्प से कि वो एक नेचुरल कलर की हेल्प से करके वहाँ पर ये ड्रॉ किया गया है। 2.3 केव ऑफ भीमबेटका। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने आगे पिक्चर में आगे की पैराग्राफ में हमने देखा था भीमबेटका के बारे में वो यहाँ पर केव हमें पिक्चर में बताई गई है। डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस की डिस्कवरी हुई फायर की, व्हील की और उनके यूजेस क्या करते थे। रुइंस ऑफ एशेस फाउंड इन द केव्स ऑफ द प्रिमिटिव मैन इन कर्नूवल इन साउथ इंडिया इंडिकेट दैट दे वेर फेमिलियर विथ फायर। रूइंस ऑफ एशेस का मतलब होता है राख के अंडहर जो हमें मिले फाउंड इन द केव्स ऑफ प्रिमिटिव मैन कहाँ पर, प्रिमिटिव मैन के जो केव्स थे वहाँ पर कौन सी जगह पर, कर्नूवल कहाँ पर आया है, साउथ इंडिया में, वो इंडिकेट करता है कि वो फायर से फेमिलियर थे। एज पर हिस्ट्रीशन अप्रोक्सीमेटली 11,000 ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर की अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रीशंस की अप्रोक्सीमेटली 11,000 साल पहले ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर उन्होंने फायर का इस्तेमाल करना शुरू किया। यूज ऑफ फायर हैज़ रेवोल्यूनाइज देयर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट दे कुड कुक द मीट एंड ईट गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स कि उन्होंने जब ये 11,000 साल पहले उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ उनकी लाइफ में, एक रिवोल्यूशनाइज मतलब कि बहुत सडनली एक चेंजेस आ गया, क्रांति आ गई जिससे क्या होता था उसकी फायर की हेल्प से वो क्या कर सकते थे, मीट को कुक कर सकते थे, गेट लाइट, लाइट ले सकते थे और प्रोटेक्ट कर सकते थे खुद को किससे, वाइल्ड एनिमल्स से। डिस्कस उसके बाद लिखा है डिस्कस, तो डिस्कस क्या है, इवन टुडे इज इट पॉसिबल टू थिंक अबाउट अवर लाइफ विदाउट फायर कि आप सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि अब हम फायर के बिना रह सकते हैं, ये कौन ऐसी चीज़ जिसमें फायर हमें चाहिए लेकिन अगर नहीं है तो हम उसके बिना चला सकते हैं। सेकंड, इनिशियली डिस्कवरी ऑफ व्हील वुड हैव ब्रॉट विच चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ की इनिशियली डिस्कवरी हुई व्हील की तो ह्यूमन लाइफ में क्या चेंजेस आए। अदर दैन फायर व्हील ऑल्सो रेवोल्यूनाइज्ड देयर लाइफ की फायर के अलावा उनके लाइफ में जो ये व्हील आया उसने भी बहुत सारी एक चेंजेस ला दी उनकी लाइफ में। दे लर्न टू मेक व्हील फ्रॉम ट्री ट्रंक एंड थीक वुड उन्होंने व्हील बनाना सीखा किसमें से, ट्री ट्रंक में से और एक थीक वुड में से। चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो There was a widespread change in the atmosphere of the world due to increase in temperature, vegetation and grass field
started growing in many areas of the world. कि around 12,000 years ago, there was a widespread of change in the atmosphere. कि एक widespread change हुआ किसके अंदर? Atmosphere के अंदर, पूरे world में. Due to increase in temperature, vegetation and grass will started growing in many areas of the world. अब ये temperature और change हुआ है atmosphere, तो उसके किसका changes हुआ? Atmosphere में, vegetation में, grass field में, पूरे areas में, दुनिया के में change हुआ. As a result, number of grass eating animals, herbivores like deer, sheep, goat, etc. increased. तो इसका result क्या हुआ? कि जो grass eating animals है, जिसे हम herbivorous animals कहते हैं, जैसे कि deer, sheep, goat, है वो, उनकी population increased हुई. Primitive man certainly got benefits of it. और उनका benefit किसको हुआ? Primitive man को हुआ. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. उन लोगों ने study करना शुरू किया इन animals के बारे में, उनके behavior में, और उसी तरह से उनका mental development शुरू हुआ. They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate change. किए किसके कॉन्टैक्ट में? ग्रास के, ट्रीज में के, वेजिटेशन में, उसके अलावा वीट मतलब कि गेहूँ, बार्ली और दूसरे ग्रेन्स, ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट, कि क्लाइमेट में चेंज हुआ इस वजह से. बाई यूजिंग स्टोन्स, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स, कि वो स्टोन को इस्तेमाल करके क्या क्या करते थे? ग्रेन्स कलेक्ट करते थे, सब मिलकर करते थे, वुमन, मैन और चिल्ड्रन सब मिलकर ग्रेन्स कलेक्ट करते थे. Because of this curious incident, slowly agriculture started in India. कि इस तरह से curious incident से क्या हुआ? Slowly तरह से agriculture शुरू हुआ India में. People started using stone to grow grains. कि लोगों ने stones का इस्तेमाल शुरू किया grains को कट करने के लिए. They started growing grains near the banks of the river and constructed their houses made up of mud, thatch, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरिया. सब उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट की, तो उनको वाटर भी चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया? दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर, कि उन्होंने ग्रेन्स का ग्रो करना शुरू किया. कहाँ पर? बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ताकि वहाँ से पानी वो इजिली कलेक्ट कर सके. एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस मेड अप ऑफ मड एंड थैच, कि उन्होंने अपना घर भी वहाँ पर बनाया. किससे बना हुआ? मड से और थैच से. तो थैच का मतलब होता है बच्चों छप्पर. और अदर मटेरियल्स नियर बाय एरियाज, और दूसरे सारे मटेरियल्स को यूज करके उसी एरिया में जहाँ पर पानी अवेलेबल है वैसे एरिया में ही बनाया. एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर नोमैडिक लाइफ केम टू एन एंड एंड स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ. तो इस वजह से क्या हुआ? उनकी एक नोमैडिक लाइफ थी, वो खत्म हो गई, एंड पर आई, और एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुई. द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल्ड लाइफ वॉज अ डॉग. जो उनका फर्स्ट कंपेनियन बोल सके या फ्रेंड बोल सके वो कौन था? डॉग. बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विथ शीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा. उसके अलावा, डॉग के अलावा, वो बहुत सारे दूसरे एनिमल से भी फेमिलियर थे, जैसे कि शीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग एक्सेट्रा. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एग्जिस्टिंग विद देम टू. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो एनिमल्स भी इन लोगों के साथ एग्जिस्ट होना शुरू हो गए, ह्यूमन बींग्स के साथ. दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, की एनिमल्स उनको प्रोटेक्ट करते थे. किससे? वाइल्ड एनिमल्स से. दस दे एसोसिएटेड विद एनिमल हस्बेंडरी ऑल्सो अलॉन्ग विद फार्मिंग. उस तरह से उन्होंने एसोसिएट हुए एनिमल हस्बेंडरी मतलब कि पशुपालन से भी जुड़ गए. एक तरफ खेती भी करते जा रहे थे, फार्मिंग भी करते जा रहे थे, और ये पशुपालन भी उन्होंने शुरू किया. हाउ एवर रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क, कि अभी भी वो रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट, कि रिसर्च शुरू है, कि किस तरह से, हाउ टू फाइंड आउट लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क. Settled life, food, shelter, clothing. Early life and pastoral activity transformed primitive man's life into settled life. जो उनकी early life और pastoral activity. बच्चों pastoral का मतलब होता है देहाती activity थी, उनमें से transfer primitive man transfer होकर एक settled life की तरफ आगे बढ़े. We know that agriculture land cannot be left out because it takes some time for crops to grow.
इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप्स हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी। तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उसमें जो हमने क्रॉप्स ग्रो किए हैं उसको एक टाइम चाहिए, ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए, वाटर चाहिए, और उनको हार्वेस्ट करने के लिए जब ग्रेन्स रेडी हो जाए तो उनको हार्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कि ग्रेन्स रेडी हो गए तो उसकी फसल काटनी पड़ती है। दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ इन इंडिया। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, बिगनिंग हुई सेटल लाइफ की इंडिया में। ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग अर्थन पोच फॉर स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, और उन्होंने बनाना शुरू किया अर्थन पोच, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। क्यों बनाना शुरू किए, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। एज द वंडरिंग लाइफ केम टू एंड एंड देर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन देयर फूड हैबिट्स क्लोथ एंड शेल्टर। कि ये वंडरिंग लाइफ है उनका एक एंड हुआ और एक वाइड स्प्रेड चेंज है, किसके अंदर, उनके फूड के अंदर, हैबिट्स के अंदर, क्लोथ्स के अंदर और उनके शेल्टर के अंदर। अलॉन्ग विथ वीट बार्ली मीट दे स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड फ्रूट्स फाउंड नियर द सेटलमेंट्स। के ये वीट बार्ली और मीट के अलावा उन लोगों ने क्या खाना शुरू किया, फिश और फ्रूट्स जो उनके नियर के सेटलमेंट्स के, उनकी जो जगह पर रहते थे आसपास में जो मिलता था उस जगह से लेकर खाना शुरू किया। ही लिव्ड इन हाउसेस मेड अप ऑफ मड थैश एंड अदर सच मटीरियल्स। क्यों, कैसे हाउस में रहते थे, ऐसे हाउसेस से, किससे बने हुए, मड से, थैश से और दूसरे मटीरियल्स को इस्तेमाल करके। ही डिड एग्रीकल्चर, ही मेड फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन विच इंक्लूड्स पेड, चीजल एंड सिकल। उन लोगों ने क्या बनाना शुरू किया, फार्मिंग करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स, जो फार्मिंग करने के लिए जो इम्प्लीमेंट्स है वो बनाना शुरू किए स्टोन से, जिसमें इंक्लूड होता है स्पेड, चीजल और सिकल। द फॉलोइंग टेबल शोज अस द प्लेसेस इन इंडिया वेयर ग्रेन्स, शेल्टर, वेपन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड। तो बच्चों यहाँ पर जो ये नीचे टेबल है वहाँ पर हमें बताया गया है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेन्स, शेल्टर और वेपन्स है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन फाउंड, कि वो हमें मिले गए हैं। ग्रेन्स, सेटल्समेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स और दूसरे बॉक्स में लिखा है प्लेसेस। फर्स्ट वन, वीट, बार्ली, शीप, गोट, स्टोन्स, इंस्क्रिप्शन। और कौन सी प्लेसेस पर ये पाया जाता है, इट इज़, फर्स्ट वन इज़ मेरका, जो कहाँ पर है, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, फिलहाल वो पाकिस्तान में है। सेकेंड, राइस एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो राइस और बोन्स ऑफ कौन सी प्लेस पर पाए जाते हैं, कोलढीवा, जो कोलढीवा प्लेस पर, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। थर्ड प्लेस इज राइस, शीप, गोट एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स। तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मेधाड़ा पर पाया जाता है, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। फोर्थ वन, ह्यूमन सेटलमेंट्स और राइनो, इट इज़ फाउंड इन विच प्लेस, लाइनेज नाम की प्लेस है, कहाँ पर है, गुजरात में लाइनेज नाम की प्लेस है, वहाँ पर पाए जाते हैं। फिफ्थ वन, वीट, लेंटिल, डॉग्स, पिट हाउसेस। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, बुरजुम एंड गफरल, जो कहाँ पर है, कश्मीर में लोकेटेड हैं। सिक्स्थ वन, बफेलो बुल इम्प्लीमेंट्स, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी प्लेस पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं चिरड़ नाम की प्लेस है बिहार में, वहाँ पर। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटल्समेंट्स एंड कैटल रेयरिंग्स फ्रॉम द प्लेसेस लाइक बुरजुम, गफरल, हुईरंगी, मेरघा, लाइनेज एंड भीमबेटका, विच वे डिस्कवर्ड बाय अवर आर्कोलॉजिस्ट। कि ये डिस्कवर किया था हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने। फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेरघा एंड इमान गांव, वी इवन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेस एंड फार्मिंग, उनके हाउसेस और फार्मिंग के तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड बाजरा, क्यों, किस तरह से, कौन से ग्रेन्स ग्रो करते थे, बार्ली एंड बाजरा। शार्प स्टोन्स इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेरघा एंड इमान गांव, दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग। की शार्प स्टोन्स इम्प्लीमेंट्स हमें मिले हैं इस जगह पर, जैसे मेरघा और इमान गांव में से, तो दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मिंग, ये किसके लिए वो इस्तेमाल करते होंगे, फार्मिंग के लिए। मेरघा में बी कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एशियंट इंडिया, एशियंट इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट विलेज में कहा जाए तो मेरघा है। यू सी मेरघा इन द मैप, क्या मैप में देखो मेरघा को। फार्मिंग ऑफ बार्ली एंड वीट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, की फार्मिंग हुई बार्ली और वीट की, वो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। दे रेड शीप्स एंड गोट, दे डिड फार्मिंग एंड स्टोर्ड ग्रेन्स।
बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बी फाउंड हियर, कि एनिमल्स के बोन्स भी यहाँ पर मिले हैं। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस, कि वो एक रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। स्मॉल बैंड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन दीज एरियाज। अकॉर्डिंग टू द एविडेंस ऑफ फाउंड इन मेघरा, दे हॉनर द डेड बाई बर्निंग देम, की जो एविडेंस मिला है, प्रूफ मिले हैं, उसमें पता चला कि जो लोग मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको हॉनर में क्या करते थे। Many such evidence have been found here. Evidence has been found at one place that goat was also buried along with man. Ki goat ko bhi buried kiya jata tha wo man ke saath. This suggests their belief that there is a life after death also. Ki wo suggest karta tha un logo ki wo belief thi ki marne ke baad bhi ek life hai. In the same way, a place named Imangaon has been found in Maharashtra where रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रेन हैव बीन फाउंड, कि उसी तरह से एक प्लेस है इमानगांव, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी मिले हैं, रिमेन्स मिलेगी इसके, डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रेन हैव बीन फाउंड। दे लिव्ड इन राउंड शेप हाउसेज, रेड कैटल एंड डीड फार्मिंग ऑफ बाजरा एंड बार्ली, कि उनके हाउस भी किस कौन से शेप में थे, राउंड शेप में थे, वो कैटल को रेड करते थे और फार्मिंग करते किसकी, बाजरा और बार्ले की।